हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल एंड आई मेघा, मिशिका की मम्मी। सो गाइज, मैं आज आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने वाली थी। वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि होता रहता है भाई, आप यूट्यूब पे हो, कभी आपको कोई टारगेट करेगा, कभी आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपको ध्यान नहीं देना है। ये जिसको मैंने अपनी इंस्पिरेशन माना हुआ है वो मुझे बोलती हैं कि मेघा, चीज़ें मत पकड़ो, अपने आगे बढ़ो। तो मैं भी वही करती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि मैं वो करूँ भी। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, कौन यूट्यूबर है जो हमारे पीछे ऐसे तरीके से लगा हुआ है, और इनफैक्ट वो अब इस हद तक भी गिर गया कि जिसने हमारे रिश्ते के ऊपर भी उंगली उठा मारी। चलो बताती हूँ। तो एक करके हैं जिनका नाम है अर्चना करके, कोई न्यू क्रिएटर हैं और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट किया होगा, मुझे नहीं याद है, तो उन्होंने मुझे कुछ कमेंट किया होगा कि आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और मैं शायद उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को उठा के देखेंगे तो उसमें ये कमेंट कम से कम 200 मिल जाएंगे आपको। आपको हर दिन मैं बताती हूँ, मुझे हर दिन कम से कम 50 मिलते हैं क्योंकि एक वीडियो में 20 रहते हैं, 20 22 25 ऐसे रहते हैं, और हर वीडियो में भी रहते हैं, दो पांच किसी ना किसी वीडियो पे आते जाते रहते हैं। तो 500 कमेंट ऐसे आते हैं मुझे, मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उसके साथ साथ मैं एक मदर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक वाइफ हूँ, उसके साथ साथ मैं एक भाभी भी हूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है और यूट्यूबर तो हूँ, है ना। अब यहाँ पे आप लोग बोलते हो कि दी हमें कंटेंट चाहिए, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट होती है अपनी स्किन केयर दिखाइए, अपना मेकअप दिखाइए, ये हर कोई मेरा मेकअप पसंद नहीं करेगा, हर कोई मेरा ब्लॉग पसंद नहीं करेगा, हर कोई मेरा स्किन केयर पसंद नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग चॉइस होती हैं। मैं हमेशा ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो यार आज मैंने वीडियो नहीं डाला, चलो स्किन केयर डाल देती हैं, जल्दी चला जाएगा और आप लोगों को देखने में हेल्पफुल हो जाएगा, एक अपडेट तो पहुँच गई कम से कम चैनल पर, राइट। तो आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दीजिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं सिर्फ उनसे मांग रही हूँ, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं उन लोगों को सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास पांच वीडियो हैं मेरे पास जो कि मैंने बनाए हुए हैं, जो आपको धीरे धीरे करके एक एक करके सरप्राइज़ के तौर पर मिलने वाले हैं। और इन पाँचों वीडियो में मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट रहा है क्योंकि एक दिन में आज मैंने 3 ब्लॉग बनाए हुए हैं और 2 कल बनाए हुए थे। तो मेरे पास ये 5 वीडियोस है और 5 वीडियोस मैं सोच रही थी चलो अब मैं कंटिन्यू हो पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक दिन का गैप लेके मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं कंटिन्यू हो पाऊँ, मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं हूँ। तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से है मेरी, ठीक है, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बात या मेरे इस घर की बात नहीं कर रही हूँ। तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से है, नाम मैंने यूट्यूब से कमाया, पहचान भी मैंने यूट्यूब से बनाई, ठीक है। तो जब मैं वहाँ टाइम नहीं दे रही हूँ इट मीन्स कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती होंगी, जब मैं अपने उस जगह पर टाइम नहीं दे पा रही हूँ जिसकी वजह से मेघा कुछ बनी, मेघा की कोई पहचान बनी, ठीक है, तो इट मीन्स कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, राइट। सो मैं अभी बिजी हूँ इस टाइम पे, और क्यों बिजी हूँ कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, आप लोगों को थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आई नो दैट, बट जो अभी मैं जहाँ मुझे टाइम देना चाहिए अगर मैं वहाँ टाइम नहीं दूंगी तो वो भी मेरे लिए हार्मफुल है, मैं एक नुकसान से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, भाई मेरा नुकसान हो रहा है चलेगा, मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, मेरा ये अर्निंग नहीं बनेगी चलेगा, लेकिन जो मैं जिसको मैं छोड़ दूंगी ना इसकी भरपाई शायद मैं कभी ना कर पाऊँ, तो मैं यहाँ अपना टाइम दे रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सिर्फ मेरा क्लियरिफिकेशन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो अर्चना करके, उन्होंने बोला कि मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, कमेंट का रिप्लाई ना करने का रीज़न सिर्फ यही था कि मेरा टाइम नहीं रहता है मेरे पास, और मैं हर दिन किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत आते हैं और मैं ऐसे एक एक करके अगर कमेंट के रिप्लाई करने लग गई तो मेरा तो टाइम नहीं बचेगा, पूरे दिन सिर्फ रिप्लाई कर रही होती होंगी, ठीक है। छोटे छोटे से दिन होते हैं, ठंडियों का टाइम है इस टाइम पर, तो वैसे भी बिस्तर से नहीं निकला जाता 10 बजे तक, तो है ना। तो ये हो गया, उसके बाद उन्होंने मेरा एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक निकाला जिसमें उन्होंने अगेन मुझे ऐसा बोला कि ये मेकअप लुक देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये मेकअप लुक किसका है, उसको तो उसने ऐसे मेकअप किया, तो मेघा ने ऐसे मेकअप किया। तो पहली बात, अगर आप इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रहे हो तो एटलीस्ट उसकी ही वैल्यू रख लो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना,
2 वीक पहले आपने ये वीडियो बनाया कि मैंने हेल्प नहीं की, मैं बुरी लड़की हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ और मुझसे आपको ये सारी उम्मीदें नहीं थी। ओके चलता है, ओके मैं मान सकती हूँ शायद आपको ये उम्मीद नहीं होगी, लेकिन आपने अगर इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया था तो आप ये भी तो सोचती कि वो इंस्पायर्ड मेकअप लुक में आपको बात कैसे करनी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात करने का कई बार तरीका मुझे भी नहीं होता, कई बार मैं भी बहुत सारे वर्ड गलत बोल देती हूँ मुझे जो नहीं बोलने चाहिए, मान लिया। वो वीडियो हो गया, तो ये वीडियो हो गए 2। इनके रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो पे व्यूज़ होते हैं वो किसी पे होते 9 व्यूज़, किसी पे होते 10 व्यूज़, किसी पे होते 9, किसी पे होते 8, किसी पे होते 20, 22, 25 ऐसे। लेकिन उस वीडियो पे जो उन्होंने मेरे लिए बनाया था वीडियो, उस पे उनके व्यूज़ थे 300 कुछ 400 समथिंग, ठीक है। तो उनको लगा अरे बहुत सारे व्यूज़ मिल गए, अब इन्हीं को टारगेट कर लेते हैं। लेकिन टारगेट करना और हर्ट करने में दोनों में फ़र्क है। अच्छी चीज़ों में भी टारगेट कर सकते हो, लोग के किसी के लिए अच्छा भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मान लिया आपने मुझे टारगेट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया? बाद में आपने सबसे बड़ी गलती की कर दी कहाँ पे, मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए 10 वीडियो बनाते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी रिश्ते पे उंगली उठा रहे होते तो एटलीस्ट उस रिश्ते की गहराई समझो कि रिश्ता क्या है, कैसा है, क्या नहीं है और क्या है। तो पहले इन्होंने एक चीज़ बोली हुई है अपने वीडियो में कि मैं प्रिया दीदी से मिली, वो मेरी चाल थी कुछ व्यूज़ गेन करने की और सब्सक्राइबर गेन करने की। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि चाल वोल मैं नहीं चलती, ये शायद आपको आता होगा। मैंने अपने परिवार में चालें चलना नहीं सीखा, अगर मैंने चालें चलना सीखा होता तो जिस तरीके से मेरी शादी हुई इस तरीके से नहीं होती। चाल चल के मैं अपनी शादी को बहुत अच्छे से करवा सकती थी, बट मैंने चालें नहीं चली। मेरी जो भी रहता है यहाँ पे रहता है और ये मेरी जबान बहुत तीखी है, जिसकी वजह से कई बार मैं भी प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। मेरे मुँह फटूँ मैं मुँह पर बोल देती हूँ अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो। पहली बात, चालें में नहीं चलती। अगर मैंने प्रिया दीदी को जो फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उसमें मैंने यही बोला था कि यूट्यूब पे मेरा आने का मोटिव है मेरे मम्मी पापा से कनेक्ट होना, मेरा मुझे नहीं यूट्यूब से अर्निंग की पड़ी हुई है, मुझे पड़ी है कि मेरी फैमिली मुझे मिल जाए, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए यूट्यूब ज्वाइन किया था, मोटिव मेरा मोटिव हुई वही था, मेरा एम यही था कि मुझे यूट्यूब पे आना है, मेरी फैमिली मुझे मिल जाएगी। क्योंकि जो मैसेज में जो मेरे मम्मी पापा को पता है मेरे बारे में वो गलत पता है। तो और दी जिस दिन मैं उनसे मिलूँगी उसके पहले मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रमोट किया तो मैंने उनको ये कमेंट रिप्लाई किया था कि दी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और जिस दिन मैं उनसे मिलूँगी उस दिन मैं आपसे मिलना चाहूँगी, उसके पहले मैं आपसे मिलना चाहूँगी। उन्होंने बोला माय प्लेजर, उसके बाद मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने दी आप अपना नंबर दे सकते हो, और आई डोंट नो कि हम दोनों के बीच में इतनी कनेक्टिविटी कहाँ से आई। कुछ लोगों को बता रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानना भी चाहते हैं कि मैं कैसे उनसे मिली, तो आई डोंट नो, उन्होंने मुझे नंबर ऐसे ही दे दिया। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं, मैं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिए, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। मैंने कुछ टाइम तक बिल्कुल बात नहीं की, फ़ोन नहीं लगाया, क्योंकि मैं भी समझती हूँ भाई यूट्यूबर हैं बिज़ी रहती हैं, इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, उस टाइम पे मेरा चैनल चला ही चला था तो मैं समझ सकती थी। फिर भी मेरा चैनल चला ही चला था तब भी मैं समझ सकती थी कि भाई नहीं कर सकते। देन हमारी फ़ोन पे बात हुई और बातें हमारी अच्छी खासी होती थी, कभी हो जाती थी 20 मिनट 30 मिनट, और बातें करते करते हम लोग एक दूसरे से इतने कनेक्ट हो गए, इतने अटैच्ड हो गए कि एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरा उनसे बिना बात करे बिना दिल नहीं मानता था। मैं दिन भर में उनको एक बार कॉल ज़रूर करती थी और बात ज़रूर करती थी और टाइमिंग सेट करके रखी थी, दीदी इतने टाइम फ्री रहती है मैं इतने टाइम कॉल करूँगी, और मैं उनको बात करती थी उनसे। उसके बाद हमारी बात होती रही, फिर हम लोगों ने मिला, चलो मिलते हैं, और दी मुझे आपसे मिलना है और आपकी वजह से मेरा चैनल इतना अच्छा चल रहा है। मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करती कि मुझे, लेकिन मैं आपको बस ये बोल रही हूँ कि जो आपने बोला कि मेरा मिलने का मोटिव ये था, मिलने का मोटिव जो मेरा ये था कि मुझे व्यूज़ चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मेरा चैनल जब से उन्होंने प्रमोट किया था ईश्वर की कृपा से मेरा चैनल उस टाइम से इतना अच्छा गेन हुआ है, इतना अच्छा चला है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं ये सोचूं कि मुझे और सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और व्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं है, आप में से किसी को बिलीव नहीं है, तो जाके उठा लीजिए 7-8 महीने पुरानी वीडियोस, वो 2 जहाँ पे मैं प्रिया दीदी से मिली हूँ, उसके पुराने वीडियोस देखिए और देखिए उन पे व्यूज़ कितने हैं। उस टाइम पे मुझे 40-30 थाउजेंड आ जाते थे, इस टाइम से बेटर मेरी उस टाइम पे व्यूज़ थे,
ठीक है। उसके बाद हम मिले और मैंने उनको, मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया था, तो उन्होंने मुझे एड्रेस पहले ही सेंड कर दिया था, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले की थी कि हम पहले मिलेंगे, लेकिन अचानक हमारी प्लानिंग कैंसिल हुई क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिल रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग कैंसिल हुई कि हम नहीं जा रहे हैं। फिर बाबू ने मुझे सरप्राइज दिया, क्योंकि मेरा उस टाइम पर बहुत नुकसान हुआ था, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, और ये जो पल है ना मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे पल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया कि चलो चलते हैं, पैकिंग कर लो, थोड़ी सी मैंने पैकिंग की, चलो मेघा एक ही दिन के लिए चलना है, तो मैंने उस हिसाब से पैकिंग की और हम लोग निकले प्रिया दीदी के यहाँ पे। मुझे पता कब चला, जब मैं लखनऊ पहुँच चुकी थी, मुझे पता चला कि मैं प्रिया दीदी के घर जा रही हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि मैं बता नहीं सकती उस टाइम पर आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिले, हमने दी को बोला कि दी वीडियो नहीं बनानी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दी ने बोला नहीं मेघा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाती हो, बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, और मैं भी बना रही हूँ, और उन्होंने भी बनाई, तो मैंने कहा दी आप भी बनाओगे फिर, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने भी बनाया, मैंने भी बनाया वीडियो, ठीक है। और उस टाइम पे उनका ब्लॉग चैनल, जो उनका भी न्यू ब्लॉग चैनल है ना, वो उन्होंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो मेरे, हम लोगों की दोनों की साथ में ही है, उसके बाद उन्होंने और वीडियोस डाले हैं, ठीक है। और उसके पहले उनका एक और चैनल था जिस पे उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुका था। तो अब आती है, तो ये बात हो गई व्यूज़ के लिए, तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं दिल से कनेक्टेड थी और हूँ। अब मैं बताती हूँ, वो मेरी इंस्पिरेशन है, मैंने उनको अपना गुरु माना हुआ है, गुरु माना नहीं है सिर्फ, मैं उस चीज़ को निभाती भी हूँ, मैंने उनको अपना गुरु माना हुआ है, उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। कई बार अगर मैं, मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं उनसे गलती की माफ़ी भी मांगती हूँ। कई बार अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मैं क्या करूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ दी मैं क्या करूँ, ऐसा ऐसे ऐसा से ऐसा हो गया, मुझे समझाती हैं कि मेघा ये है, वो मुझे राह दिखाती हैं, जो एक गुरु करता है वो करती हैं, ठीक है। अब जिसको ये बोलना है कि तुम कॉपी करती हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपने गुरु की सिखाई चीज़ को कॉपी बोलते हैं तो ओके, अगर आपका टीचर आपको कुछ सिखा रहा है और अगर उस चीज़ को आप कॉपी बोलते हो तो आई थिंक कि आप पागल ही हो पूरे, आपको समझ ही नहीं आती चीज़ें, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छा समझाया है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपका और उनका झगड़ा हो रखा है तो आप उनके बारे में अपने चैनल पे कभी बात नहीं करते हो। मुझे आप ये बताइए कि जिस दिन मैं उनके चैनल के बारे में या उनके बारे में डेली बातें करूँगी या फिर कभी कभी भी बातें करूँगी, उस दिन आप ही लोग होंगे जो बोलेंगे कि उनका नाम ले लेके आगे बढ़ रही है। लेकिन जिनको मैंने अपनी इंस्पिरेशन माना है ना, वो मुझे पता है क्या बोलती हैं, वो हमेशा मुझे ये बोलती हैं मेघा अपने कंटेंट में दम रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ और सोचो आई एम द बेस्ट, ठीक है, तुम अच्छा कर सकती हो और तुम अच्छा करोगी, तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम अच्छा कर पाओगी। तो मैं उनकी बात पे चलती हूँ। अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु माना होता जो सिर्फ नाम ले लेके आगे बढ़ रहा होता, तो मैं शायद वही कर रही होती, लेकिन मैंने इतने अच्छे व्यक्ति को अपना गुरु माना हुआ है कि मैं उनका नाम लेके कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो मुझे कभी ऐसी सीख दी ही नहीं उन्होंने, जितना मैंने उनसे YouTube के थ्रू सीखा और जितना मैंने उनसे पर्सनली सीखा, उससे मुझे इतना तो पता चल गया कि अपनी दम पे करना है जो करना है, मुझे नाम ले लेके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन पे उंगली मत उठाइए, और अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए इस चीज़ का कि मेरा यही मोटिव था, क्योंकि ये मुझे प्रूफ चाहिए। अगर आपके पास है तो दीजिए, वरना आप इस चीज़ को स्टॉप कीजिए। व्यूज़ पाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, किसी की बुराई करके ही व्यूज़ नहीं पाए जा सकते हैं, किसी को गलत प्रूफ करके ही व्यूज़ नहीं पाए जा सकते हैं। हमेशा हर व्यक्ति गलत नहीं होता है, हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी इसलिए है बिकॉज गुरु शिष्य से शुरू हुआ था, आज हम अच्छी फ्रेंड में कन्वर्ट हैं, इसलिए भी एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, अच्छी बुरी, पर्सनल प्रोफेशनल हर टाइप की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बहुत कर पाते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बना पाते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। कई लोगों ने ट्राई किया है ये चीज़, वो जानते हैं जिन्होंने किया है तोड़ने का और अपना महान बनने का, लेकिन वो फेल हो गए उस चीज़ में। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को नीचा गिरा के अगर आप ऊपर उठोगे ना, तो ऊपर वाला आपको नीचा गिराएगा, ठीक है। तो गलत मत सोचिए किसी के लिए, अच्छा कीजिए अगर अच्छा कर सकते हैं, तो बुरा तो बिल्कुल मत कीजिए। जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में जाके आप खुद ही गिरते हो, और मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से आजमाया भी है और जानती भी हूँ मैं ये चीज़।
सो आई जस्ट होप गाइज कि आप लोग ये चीज़ समझेंगे कि मेरा बात करने का तरीका ऐसा क्यों था. मैं सिर्फ उनसे बोल रही थी, आप लोग देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच. अगर आप लोग मेरी बात से थोड़ा सा भी एग्री करते हो तो मेरी कमेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ. और प्लीज़ आप वो वीडियोज़ देखिएगा जहाँ पर मैं प्रिया दीदी से मिली हूँ, उसके पुराने वीडियोज़ देखिएगा कि सच में क्या मैंने व्यूज़ के लिए ये किया है. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. आज जो भी हो, मैं ऑब्वियसली मैं कभी नहीं बोलती हूँ, आज मैं जो भी हूँ सबसे पहले जनता की वजह से हूँ, आप लोगों की वजह से. प्रमोट मैं भी बहुत सारे लोगों को करती हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे प्रमोशन से उन लोगों के चैनल आज उड़ नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ठीक है. लेकिन मेरा चैनल ईश्वर की कृपा से मैं इतना बोल सकती हूँ कि जब से दीदी ने मेरा चैनल प्रमोट किया था, वो वीडियो चला था, उसके बाद मेरी कंटिन्यूसली वीडियो चले, एक भी वीडियो नहीं रुका. लेकिन कुछ तो कंटेंट में दम होगी. एक वीडियो आप देख सकते हो क्योंकि वो अच्छा लगा, लेकिन हर वीडियो अच्छा लगे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता. मैंने अपनी फ्रेंड बोलो, सब्सक्राइबर बोलो, जो मुझसे मिलने आई थी, जिसका नाम ज्योति है, वो मुझसे मिलने आई थी, और उससे जब मैं मिली और मैंने उसके लिए वीडियो बनाया, जबकि मैं खुद वीडियो में आई हूँ, तो उनकी अचानक से 2000 समथिंग सब्सक्राइबर आ चुके थे. लेकिन क्या वो आज 2000 लोग वॉच कर रहे हैं? उनको नहीं ना. जो वीडियो उनके इंटरेस्टिंग होते हैं उस पर उनको अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, जो नहीं होते उन पर नहीं रुक जाते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है. गुड कंटेंट लाइए, टारगेट्स बनाना बंद कर दीजिए, रिलेशंस पे उंगलियां उठाना बंद कर दीजिए. जिस दिन आप ये करना बंद कर देंगे उस दिन आपके चैनल अपने आप चलेंगे. एक दिन ना एक दिन सबका चैनल चलता है, थोड़ा टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम. रहा आपको अभी भी प्रमोट करवाना हो तो मुझे मेरे हस्बैंड के चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं कर दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, उंगली उठाने से पहले हमेशा कहते हैं ना, जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठा रहे होते तो ये जो तीन उंगलियाँ होती हैं हमारे ऊपर उठती हैं. तो प्लीज़ उंगली उठाना बंद कर दीजिए किसी के भी ऊपर. आई जस्ट होप गाइज कि आप लोगों को समझ आया हो. समझ आए मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और कल से आपको कंटिन्यूसली मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे से जो क्या बोलते हैं वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, वो देखने को मिलने वाले हैं. सो या आप जुड़े रहिए मेरे से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. बाय गाइज.